मामला उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके जिला रामपुर से सामने आया, जहां पर सरेरा युवती पर एसिड से अटैक किया गया है। तीन लोगों पर एसिड का अटैक करने का आरोप लगा है। कहा गया कि तीन लोगों ने एक लड़की के ऊपर में एसिड फेंका है, तेजाब फेंका है। आरोपियों पर अब ये बात सामने आ रही है कि पहले इन आरोपियों के ऊपर मुकदमे दर्ज थे बलात्कार के, और इसी मुकदमे को वापस लेने के लिए, समझौता करने के लिए ये आरोपी लगातार दबाव डाल रहे थे। और ऐसे में जब पीड़ित पक्ष ने समझौता नहीं किया तो उन्होंने इस युवती के ऊपर में एसिड अटैक किया है, तेजाब फेंक दिया है। अस्पताल में फिलहाल उस युवती को भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। और ऐसे में एसिड अटैक का भी मामला दर्ज करके ऐसे आरोपियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। रफतनर फैजल ने मुझे जबरदस्ती रोक लिया और बोले समझौता कर ले, नहीं तो तुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे, तेरे भाई को झूठे केस में भी जेल में भिजवा देंगे। मैंने मना किया तो गंदी गंदी गालियां देने लगे और फैजल तो कहा इसको पकड़ ले, इसके ऊपर तेजाब डालूंगा। फिर उसने रफत ने मेरे ऊपर तेजाब डाल दिया।